करेंगे कि कितना सैलरी है, क्या रूम का खर्चा है, कितना घंटा, कितना ऑर्डर पे क्या मिलता है। हाँ तो सलीम भाई, सबसे पहले आप बताओ भाई कि कहाँ से आए, कैसे आए। भाई हम तो हैं यूपी से, गोरखपुर के पास कैलाबा संत कबीर नगर है। तो गाइस कैसे आप लोग। तो अभी हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं भाई, सलीम भाई कर रहे। इससे पहले एक वीडियो बनाए थे तो भाई वो आ रहा है, और चलो मिलते देखते हैं। तो आज बताएंगे भाई वो कैसे आ रहा है, कितना अभी नया है उसका, 3-4 महीना हो गया काम करते करते, और क्या है सैलरी, कितना है, कितना पैसा भर के आया है, वो सब आज हम बात करके बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहना भाई, आज फुल डिटेल जानकारी मिलेगी आप लोग को तलाबाद का, कि कैसे आना है और तलाबाद में काम करके कितना कमा लेता है। इससे पहले ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया था, आज वो वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहना एंड तक। तो ये भाई आज बहुत गर्दी है, और अभी शाम का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसा वीडियो में दिख रहा है वैसा क्लियरिटी भी है और बहुत अच्छा है। तो यहाँ से शॉर्टकट, ऐसा कुछ शॉर्टकट दिखा रहा है, देखो अंडरग्राउंड चल रहे हैं। ये जो गाड़ी है ये फिरोजी है भाई, इसकी कंपनी बहुत बड़ी है, इसमें भी आ सकते हो आप। एक ही होटल से काम रहता है इसका, इसकी इसका बहुत ज़्यादा गाड़ी है यहाँ पे निशान का। देखो ये जा रहा है, ये वाला वो है इसका कंपनी है, यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ी है उसी का बहुत। ये कहाँ कर रहा भाई, चलो अभी हम चलते हैं देखते हैं, किसी को सबर ही नहीं है। देखो ये सब गाड़ी है उसी का, वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका है तो अपने भाई को मैं मैसेज करते हैं, कंपनी का था मिल गया था उधर। तो भाई यहाँ पे आने से पहले यार ऑर्डर ही आ गया, अभी तो देखते हैं क्या होता है, उसको मिल के जाते हैं, चाय वाय पी के जाएंगे भाई। तो यहाँ पे हम गाड़ी पार करेंगे, चाय पी के निकलेंगे, देखते हैं क्या टाइम लगेगा। तो हम अभी दिल्ली दरबार, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, ये देखो ये दिल्ली दरबार, शाही दिल्ली दरबार पे यहाँ पे आप खाना खा सकते हो भाई, सस्ता मिलता है। तो वहाँ पे हम चलते हैं चाय पीने के लिए, देखते हैं कितना मस्त है। देखो बाइक वाले देख रहे भाई, बाइक से काम कर रहे हैं। ये देखो साई का, यहाँ से चाय ले सकते हैं, हर चीज़ मिलता है भाई, कचौड़े समोसा भाई, दो चाय भैया जी, तो चाय तो समोसा है भाई, इधर मिल रहा है, देख रहे क्या क्या मिल रहा है। तो भाई चाय भी ले लिया और ये भी, तो ये जो टाको स्ट्रीट लिखा भाई का ऑर्डर भी आ गया, अभी बंदा आ रहा है, देखते कहाँ पहुँचा भाई। तो यहाँ पे बैठे हैं और इधर उधर घूम रहा, मैं बोला उसको इधर ही आ जा, आ ही नहीं रहा, और अभी ऑर्डर का टाइम है भाई तो आ रहा है, तब तक यहीं पे खड़े हैं। और ये वाला इसका वो है, आ रहा है बंदा, तो चाय इधर रख देते हैं। ये वाला है, ये भाई साहब आ गए आ गए आ गए आ गए, इधर अभी भी इधर पार्किंग है। देखो भाई ये सब गाड़ी मिलती है यहाँ पे चलाने के लिए,
भैया जी आ रहे हैं, खा खा के मोटे हो गए हैं भाई, चाय समोसा ये सब क्या क्या भाई। देखो जहाज जा रही भाई। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, कैसे हो? कैसे हो भैया जी? तो आ गए हैं भाई, हम लोग का ऑर्डर आ गया भाई, यहाँ पे बैठे हैं अभी चाय वाय पी के बात। ऑर्डर देखो। हाँ तो सलीम भाई बताइए। तो भाई इससे पहले एक वीडियो हम लोग बना चुके थे, वो कोई सिटी का था। तो आज सलीम भाई फिर से मिले हैं, देख रहे हो भाई, खा पी के मोटेंगे कि कितना सैलरी है, क्या रूम का खर्चा है, कितना घंटा है, कितना ऑर्डर पे क्या मिलता है। हाँ तो सलीम भाई सबसे पहले आप बताओ भाई कि कहाँ से आए, कैसे आए? भाई हम तो हैं यूपी से, गोरखपुर, जो पास फैलावा संत कबीर नगर है। और मैं आया था इंटरव्यू देके, लाइव इंटरव्यू हुआ था बॉम्बे में, एक वो था क्या बोलते हैं ऑफिस, बॉम्बे ऑफिस से पेपर पे इंटरव्यू देके उसके बाद हम लोग आए हैं। वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई थी, इंटरव्यू लिया गया, क्योंकि मैं सऊदी रिटर्न ड्राइवर हूँ ऑलरेडी, तो इतना कुछ ज़्यादा जानकारी मुझसे नहीं ली है, चला आया मैं सऊदी, मैं कुवैत चला आया फिर। तो यहाँ आने के बाद फिर 2-3 महीना बैठना पड़ा, क्योंकि भाई लाइसेंस नहीं था मेरे पास, और जो सऊदी का लाइसेंस था वो मेरा यहाँ पे अवेलेबल नहीं था क्योंकि। और फिर आने के बाद 3 महीना बैठने के बाद खाना पीना रूम प्रोवाइड सब कंपनी कर रहा था, लेकिन 3 महीने तक मेरा रूम, मेरा कंपनी तो अच्छा था कि 50-50 केडी दे रहा था पर मंथ का, लेकिन और किसी की कंपनी वाला सिर्फ खाली फूड ही देता है, पैसा बिल्कुल नहीं देता। 3 महीना तक आपको बैठना ही पड़ेगा, जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता है, एकामा नहीं बनता है। एकामा बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, लाइसेंस बनने में टाइम नहीं लगता। एकामा आपका 1-1.5 महीना, 3 महीना भी, 3 महीना तक भी जा सकता है। और बेसिक सैलरी कितना बता के? बेसिक सैलरी भाई 140 बता के लेके आया था हम लोग को, जिसमें से हम लोग 20 लोग आए थे, 140 सैलरी है, उसी में 120 सैलरी 20 फुट का है। तो अभी जैसा सब लोग आने से पहले बोल रहे हैं कि भाई वहाँ आने के बाद में हम कितना ऑर्डर पे हम मारेंगे तो हमें कितना सैलरी मिलेगा। भाई ऑर्डर का तो क्या है, जैसे कि 3 महीना तक आपका फिलहाल कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कोई टारगेट नहीं है 3 महीना तक। 3 महीने तक आप आराम से जो है, बोला जाता है 3 महीना, लेकिन 3 महीना नहीं, आपको हमारे ख्याल से 1 महीना आपको ट्रेनिंग देगा। 1 महीने बाद जैसे ही आपका लाइसेंस आने के बाद ना, 1 महीना आपसे काम करवाएगा, नेक्स्ट मंथ से बोलेगा आपको 450 टारगेट। वो आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 450 टारगेट लेता है कि 400 टारगेट लेता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो 450 टारगेट बोल दिया आपको तो आपको 450 टारगेट देंगे तो ही आपको 140 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। कंपनी मतलब जैसा मोबाइल खर्चा, तेल का, ये सब मिलता है ना? नहीं, बहुत सी कंपनी है जो कहता है कि भाई पर ऑर्डर पे ले लो 800 फिल्स, 600 फिल्स, जैसे हमारा है। हाँ, जैसे आपका है पर ऑर्डर पे, हम लोग का क्या, हम लोग का 140 सैलरी है। कंपनी गाड़ी भी कंपनी का, रूम भी कंपनी का, मोबाइल भी कंपनी का, सब कुछ कंपनी का, अपना कुछ नहीं, अपना खाली शरीर लेके आओ, 450 ऑर्डर मारो, 140 सैलरी लेके जाओ। और एक छुट्टी का 5 KD वो भी देता है, एक छुट्टी अगर हम लोग कर रहे हैं तो 5 KD उसका भी देता है हम लोगों का। तो भाई अभी देखो जो इनका टोटल 145 मिलता है, 450 महीने में कितना घर पे भेज देते हो, अगर अच्छे से काम करो कितना बच जाएगा? अगर जो भाई दिल दिमाग लगा के अच्छे से मेहनत से आदमी काम करेगा तो 500 ऑर्डर तो कहीं नहीं गया, आराम से मारेगा 500-550 ऑर्डर डेली का, 15-17 तो मार ही सकता है वो। अगर जो मस्ती करके काम कर रहा है तो 15-17 तो छोड़िए, 10 भी नहीं आएगा उसके रेंज में। सही, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ पाने से पहले जो है बहुत मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सही भाई, तो देखो भाई ऐसे है काम, आराम से अभी गाड़ी मिला है, गाड़ी का भी तो पन्ने भी नहीं छूटा, देख रहे हैं। गाड़ी तो नया मिला था, नया गाड़ी पूरी मिली है। चलो बाहर से भी कुछ दिखा देते हैं हम लोग, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा भाई, ऑर्डर ऑर्डर आ गया और ये गाड़ी कुछ ऐसा है, मिला है निशान सानी, हमारी भी गाड़ी वही वाली टाइप है। और ये देखें, तो भाई हम लोग ना देखो इससे पहले और कोई सिटी में मिले थे, और भाई ये वीडियो हमारी देख के यहाँ पर आया है भाई। कैसे वीडियो हमारा, कितना दिन देखे तब आए यहाँ पे? भाई ज़्यादा नहीं, 1-1.5 महीना देखे थे। 1 महीना देख के आए थे भाई, जितने लोग आए हैं वीडियो देख के आते हैं भाई। तो ऐसा कुछ है भाई, काम करने में मज़ा आ गया, 1 लाख कमाते हैं ये भाई, 50,000 कमाते हैं। जब हमारे प्रोसेस पे आ जाएंगे तो भाई का ये भी 1 लाख, मतलब एक टाइम देना पड़ेगा, तुरंत नहीं। 1 लाख कमाने के लिए भाई पर ऑर्डर पे आना पड़ेगा, पर ऑर्डर आइए तो 1 लाख आराम से कमा सकते हैं डेली का, 1 KD एक पर ऑर्डर पे, 1 KD। तो ऐसे है भाई, अगर हमारी वीडियो लगी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो
तो भाई मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मेरे को वीडियो में कुछ मिलता नहीं है ना कुछ, अभी तो स्टार्ट किया हूँ। स्टार्ट करने से पहले 40 से 50 लोग आ चुके हैं भाई वीडियो देख के, और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ भाई कि किसी का भला हो। जैसे हम जैसे कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई 10,000 15,000 अपने इंडिया में है, और यहाँ पे गाड़ी चला के भाई 30,000 से 40,000 महीने का खा पी के बच जाएगा एक साल। नया में तो 40 से 50,000 बचेगा स्टार्टिंग में, अगर पुराने हो जाओगे तो 70-80 कमाओगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो, तो यार अभी ऑर्डर आए यहाँ से, तो देखते हैं कैसा बना। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, देखते हैं इधर। ऑर्डर रेडी हो गया भाई, किधर से कहीं से आया है ये तो रेस्टोरेंट मालूम नहीं है, इधर देखते किधर है। अगर आपको बाइक चलाना आता है या कार चलाना आता है तो ऐसे ऐसे देखो, गाड़ी पे थोड़ी दूर लेके जाओ, रखो गाड़ी में, और उसके बाद में कस्टमर के घर पे छोड़ना रहता है। कितना रहता है? 5 से 7 किलो। ये ऑर्डर 5 से 7 किलो रहता है तलाबाद का, और सब ऑर्डर आता है 1 किलो 1.5 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसा ऑर्डर रहता है। तो भाई अगर आपको गाड़ी वाड़ी चलाना आता है तो प्लीज़ अप्लाई करो यार, जाके आओ। कोई भी दे कोई भी कंट्री में जा सकते हो, ऐसा नहीं है दुबई जा सकते हो, सऊदी अरबिया जाते हो, जितना अरब कंट्री है सब में जा सकते हो भाई, बाहर भी जा सकते हो, इटली फ्रांस जहाँ पे आपको वीज़ा लग जाए। तो बहुत अच्छा काम है यार, तो मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, पैसा भी दिख जाएगा, एक साल में लखपति बन जाओगे, एक महीने में लखपति बन जाओगे, एक साल में तो और बन जाओगे भाई, 10-20 लाख का मालिक हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, करो, और फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में।